पादप जगत के अंतर्गत मुख्य रूप से पादप जगत को हम तीन वर्गों या समूह में बांटते हैं, शैवाल, ब्रायोफाइटा और ट्रेक्योफाइटा। तो शैवालों के बारे में हमने अध्ययन किया, क्योंकि सभी जो शैवाल हैं जल में पाए जाते हैं, उनमें विभिन्न क्लोरोफिल की उपस्थिति होती है। विभिन्न क्लोरोफिल की उपस्थिति स्वयं सपोषी प्रकाश संश्लेषण की क्रिया करते हैं, थैलस संरचना वाले होते हैं, जड़ तना पत्र में विभेदित नहीं होता। इसी तरह ब्रायोफाइटा भी एक पादप जगत के अंतर्गत दूसरा जो समूह है ब्रायोफाइटा। ये स्थल और जल दोनों स्थान पर पाए जाते हैं। तो एक तरह से ब्रायोफाइटा को स्थल का उभयचर कहा जाता है, जिसमें ये जल और स्थल दोनों स्थानों में पाए जाने के कारण इन्हें उभयचर कहा जाता है। इसकी लगभग 25,000 जातियां पृथ्वी में पाई जाती हैं। ये नम छायादार स्थानों पर, पहाड़ों पर, नम दीवारों पर पाई जाती हैं। इनमें मुख्य रूप से जो इसका पौधा होता है स्पोरोफाइट और गेमेटोफाइट, दोनों ही इनमें पीढ़ी एकांतरण स्पष्ट रूप से पाई जाती है। तो मुख्य प्लांट इसका गेमेटोफाइट होता है और गेमेटोफाइट पर स्पोरोफाइट आश्रित रहते हैं। स्पोरोफाइट जो कि कैप्सूल के रूप में इनमें स्पोर्स बनाते हैं, कैप्सूल का निर्माण होता है। इसकी जो संरचना है, ये कुछ जो ब्रायोफाइट्स हैं थैलस संरचना में होते हैं और कुछ जड़ तना पत्ती में विभेदित होते हैं, जिसमें जड़ सामान्य रूप से राइजॉइड्स के रूप में होते हैं, जड़ नहीं पाई जाती। तना पत्ती और लीव्स के रूप में, तना पत्ती और राइजॉइड्स के रूप में होते हैं। जैसे कि मॉस का जो प्लांट है, ये इसकी पत्तियां में लीव्स संरचना पाई जाती हैं और निचली सतह पर राइजॉइड्स के रूप में पाई जाती हैं। एक कैप्सूल्स पाया जाता है जो कि ये स्पोरोफाइट पर, गेमेटोफाइट पर आधारित होती है। ये एक स्पोरोफाइट है, और लीफी संरचनाएं जो होती हैं ये गेमिटो फाइट होता है। इसमें ये लीफ के समान लीफ पाई जाती हैं और जो जड़ होती हैं ये राइजॉइड जॉइट कहलाते हैं। राइजॉइड्स के द्वारा जल और खनिज पदार्थों का अवशोषण होता है। स्पोरोफाइट पर कैप्सूल्स होते हैं जहाँ पर स्पोर्स का निर्माण और सूत्री विभाजन के द्वारा स्पोर्स बनते हैं, और स्पोर फिर से गेमेटोफाइट संरचना का निर्माण करते हैं जो पुनः नए ब्रायोफाइट्स का विकास होगा। कैप्सूल कुछ जो ये था मॉस का प्लांट ब्रायोफाइट के अंतर्गत। इसी तरह कुछ जो प्लांट होते हैं थैलस संरचना, रिक्सिया, मार्केंसिया, ये इनकी जो राइडाइट्स होती हैं मिड सतह पर हेयर्स के रूप में पाए जाते हैं। ये राइजॉइड्स भूमि से नमी, जल का अवशोषण, खनिज पदार्थों का अवशोषण करते हैं। निचली सतह पर, थैलस की निचली सतह पर राइजॉइड्स पाई जाती हैं। इनके जो राइजॉइड्स होते हैं इनमें सेप्टा नहीं पाए जाते। इन ब्रायोफाइटा में को मुख्य रूप से तीन वर्गों में बांटा गया है। पहला है हिपेटेसी, दूसरा है एंथोसिरेटी, एंथोसिरेटी और तीसरा है मॉस।
जिसमें तीन अलग अलग समूह में उनकी कुछ लक्षण भिन्न होते हैं, जैसे कि हिपेटेसी में थैलस संरचनाएं होती हैं, इनकी राइजॉइड्स पर कोई सेप्टा नहीं पाए जाते, ये पटयुक्त नहीं होते हैं। हरित लवक पाया जाता है इनमें, जो हरित लवक ये पेरिनाइट अनुपस्थित होती है, हिपेटेसी फैमिली के अंतर्गत। और इनका जो स्पोरोफाइट है, इनकी कालोमेला, स्पोरोफाइट में कालोमेला पाई जाती है। रिक्शिया और मार्केंसिया हिपेटेसी ब्रायोफाइटा के अंतर्गत आते हैं। इसी तरह एंथोसेरेटेसी, जिसमें थैलस संरचना होती है, एयर चैम्बर्स पाए जाते हैं, इनमें सल्क अनुपस्थित होती हैं, एयर चैम्बर और सल्क अनुपस्थित होती हैं, पायरेनाइट्स उपस्थित होती हैं। इनकी हरित लवक पायरेनाइट के रूप में उपस्थित होती हैं। मासाई का जो लक्षण है, जिसके अंतर्गत स्टेम लीफ राइजॉइड्स में विभक्त होते हैं, और इसमें अगणित प्रोटोनिमा प्रोथलस संरचनाएं पाई जाती हैं, तंतुवत रचना होती है जो पुनः नए ब्रायोफाइट को जन्म देती है। ये तंतुवत रचना है राइजॉइड से भोज पदार्थों का अवशोषण करती है। तो इस तरह से ब्रायोफाइट की तीन वर्ग में बांटा गया है, हिपेटेसी, एंथोसेरेटेसी और मसाई। हिपेटेसी के अंतर्गत कुछ जो ब्रायोफाइट्स है मार्केंसिया और रिक्शिया, जैसे कि मार्केंसिया के राइजॉइड्स सेप्टा नहीं पाए जाते, इनमें किसी प्रकार सेप्टा नहीं होता, ये थैलस संरचनाएं होती हैं और ये पूर्ण रूप से प्रकाश संश्लेषण की क्रिया करते हैं, इसमें हरित लवक पायरेनाइट्स नहीं पाए जाते। एंथोसेरेटेसी, यह भी एक थैलस संरचना है, एयर चैम्बर्स इसमें नहीं होते और इनमें सल्क अनुपस्थित होता है, पायरेनाइट्स उपस्थित होते हैं। इसी तरह मसाई, जो मॉस प्लांट के अंतर्गत फिनेरिया, ये मॉस जो कि लीफ लाइक संरचना, जिसमें राइजॉइड्स लीफ और इसका स्पोरोफाइट कैप्सूल के रूप में होता है। गेमिटोफाइट पूर्ण जो प्लांट है, ये मुख्यतः गेमिटोफाइट होते हैं और इस पर आश्रित होता है स्पोरोफाइट, जिसमें दोनों ही इसकी लाइफ साइकिल में स्पोरोफाइट और गेमिटोफाइट दोनों ही अल्टरनेट ये जीवन चक्र में पाए जाते हैं। इस तरह से हम ब्रायोफाइटों को तीन वर्ग के अंतर्गत रखे गए हैं, हिपेटेसी, एंथोसेरेटेसी और मसाई। इसमें हम देखते हैं सबसे पहले ब्रायोफाइट से के जो जिसमें मुख्य रूप से फिनेरिया, मसाई के अंतर्गत फिनेरिया मुख्य जो प्लांट होता है, ये फिनेरिया इसका वर्गीकरण पादप जगत है, फिनेरिया की लाइफ साइकिल और उनका लक्षण के बारे में अध्ययन करेंगे। इसमें फिनेरिया सबसे पहले जगत, इसका वर्गीकरण देखते हैं, जगत इसे पादप जगत के अंतर्गत रखा गया है, दूसरा है उपजगत, उपजगत जिसमें ये एम्ब्रियोफाइटा और प्रभाग है ब्रायोफाइटा, एम्ब्रियोफाइटा प्रभाग है, इसका डिवीजन है ब्रायोफाइटा। प्रभाग के बाद आते हैं हम इसके वर्ग मसाई और उपवर्ग है डीआरडी, वर्ग है मसाई, उपवर्ग है
बीआरडी, और वंश है इसमें, गण है फ्यूनेरियल्स, फ्यूनेरियल्स और फैमिली है इसका फ्यूनेरेसी। इसका कुल है फ्यूनेरेसी। फ्यूनेरेसी और वंश है फ्यूनेरिया। वंश फ्यूनेरिया फ्यूनेरिया ये वंश के अंतर्गत फ्यूनेरिया प्लांट। फ्यूनेरिया का वर्गीकरण जगत, पादप जगत में उपजगत एम्ब्रियोफाइटा प्रभाग ब्रायोफाइटा के अंतर्गत रखा गया है। इसका वर्ग है मसाई, उपवर्ग है ब्रियाडी के अंतर्गत रखे गए हैं, और गण है फ्यूनेरियल्स, और कुल है फ्यूनेरेसी, और वंश है फ्यूनेरिया। इसकी जो संरचना होती है ये सभी स्थान नम दीवारों पर पाई जाती है, बरसात के दिनों में अधिक दिखाई देते हैं। इसका जो संरचना है ये पत्तियों के समान संरचनाएं होती हैं, लीफ होते हैं और राइजोइड्स होती हैं। इस ये स्पोरो गैमेटोफाइट संरचना को प्रदर्शित करता है। इस गैमेटोफाइट पर ही स्पोरोफाइट लगते हैं। इस पर एक कैप्सूल्स स्पोरोफाइट के रूप में कैप्सूल्स का निर्माण होता है, और ये स्पोरोफाइट पर अर्धसूत्री विभाजन के द्वारा फिर से स्पोर्स का निर्माण होकर नए स्पोर्स प्रोथिलस नुमा प्रोटीन नुमा संरचना का निर्माण करते हैं, जिससे नए ब्रायोफाइट्स मास का निर्माण होता है। इसकी लाइफ साइकिल हम देखते हैं, जिसमें मुख्य रूप से इनका जो पौधा है जिसके अंतर्गत ये फ्यूनेरिया एकलिंगी या उभयलिंगी दोनों हो सकते हैं। मास प्लांट के फ्यूनेरिया की कुछ प्लांटें एकलिंगी भी हो सकती हैं और द्विलिंगी हो सकती हैं, जिसमें ये मेल ब्रांच और फीमेल ब्रांच पर, मेल ब्रांच पर एंथ्रीडिया और फीमेल ब्रांच पर आर्चिगोनियम का निर्माण होता है। फीमेल ब्रांच पर कैप्सूल्स जो बने होते हैं ये फीमेल ब्रांच है,
और मेल ब्रांच। फीमेल ब्रांच पर आर्चिगोनियम का निर्माण होता है जो कि एक खुली हुई संरचना वेंट्रल कैनाल के रूप में, और इस वेंट्रल कैनाल के बाद जो उपस्थित खुली हुई भाग पर नेक पर एक सेल्स उपस्थित होता है। इसमें इसके पास की जो कोशिकाएं हैं इसको सुरक्षित रखने के लिए पैराफाइसिस की कोशिकाएं पाई जाती हैं जो स्टराइल होती हैं। इस तरह से आर्चिगोनियम की संरचनाएं जो कि एलएस ऑफ फीमेल एक्सेल्स उपस्थित होता है, अग्रभाग जो कि शीर्ष भाग जिसमें नेक और फूला हुआ भाग वेंट्रल कहलाता है। खुले हुआ भाग वेंट्रल जिसमें एक्सेल्स उपस्थित होते हैं, ये एलएस ऑफ फीमेल ब्रांच। मेल ब्रांच जो कि ये है आर्चिगोनियम, ये फीमेल ब्रांच पर आर्चिगोनियम का निर्माण होता है। मेल ब्रांच पर एंथ्रेडिया का निर्माण होता है जिसमें ये एंथ्रेडिया पेरिकेटियल स्लेव्स के द्वारा ये घिरे होते हैं और ये पैराफाइसिस संरचनाएं उपस्थित होती है। ये है एंथ्रीडियम। एंथ्रीडियम की संरचना है जो कि फीमेल ब्रांच मेल ब्रांच पर बनता है और ये पैराफाइसिस संरचनाएं एंथ्रीडियम की साइट पर पैराफाइसिस की संरचनाएं पाई जाती हैं।
जिनको सुरक्षा प्रदान करती हैं। और इस तरह से ये एंथेरिडियम और आर्चिगोनियम पर, नर जननांग और मादा जननांग पर, आर्चिगोनियम पर एक्सेल्स उपस्थित होता है और एंथेरिडिया पर स्पोर्स का निर्माण होगा। जो स्पोर्स बनेंगे, ये जो स्पोर्स जो कि अग्रभाग से, कैप्सूल के अग्रभाग से निकलकर ये एक सेल्स तक पहुंचते हैं और एक सेल्स में पहुंचने के बाद ये संयोजित होकर जायगोट का निर्माण करते हैं। जायगोट जब बनते हैं, इससे बनने वाले जो जो स्पोर्स हैं, ये जो स्पोर्स और एग सेल्स ये संयोजित होकर यंग स्पोरोफाइट का निर्माण करते हैं। यंग स्पोरोफाइट से स्पोर्स बनता है। और ये स्पोर्स यंग प्रोटोनिमा थैलस रचना बनाती हैं। यंग लीग गैमेटोफाइट बनने के बाद इस यंग लीग गैमेटोफाइट से पुनः एक पूर्ण मांस प्लांट का निर्माण होता है, जिसमें एक ब्रांच पर मेल ऑर्गन का निर्माण होता है, दूसरे ब्रांच पर फीमेल ऑर्गन का निर्माण होता है। तो इस तरह से इसमें विभिन्न शाखाओं पर भी हो सकते हैं या अलग अलग प्लांट पर भी मेल ऑर्गन का निर्माण होता है। इसमें एक मेल ऑर्गन एंथेरिडियम कहलाता है और फीमेल ऑर्गन आर्चिगोनियम कहलाता है। तो जब ये आपस में युग्मक, ये फीमेल गैमेट और मेल गैमेट जो स्पोर्स के रूप में होते हैं, फ्लेजिलाइट्स होते हैं, ये आपस में एग सेल्स के साथ संयोजित होकर यंग जायगोट स्पोरोफाइट का निर्माण करते हैं। यंग स्पोरोफाइट ये है, यंग स्पोरोफाइट से स्पोर्स बनता है अर्धसूत्री विभाजन के द्वारा। ये अर्धसूत्री विभाजित होकर एक प्रोटोनिमा थैलस का निर्माण करते हैं। प्रोटोनिमा थैलस विकसित होकर एक पूर्ण मास प्लांट का निर्माण करता है। इस तरह से इसका जीवन चक्र पूर्ण होता है। तो ब्रायोफाइटा के अंतर्गत फ्यूनेरिया जो प्लांट है, इसकी लाइफ साइकिल हम अध्ययन कर रहे थे, जो कि अलग अलग आर्चिगोनियम और एंथ्रेडियम में बने सेल्स के द्वारा जायगोट बनते हैं। संयोजित होने के बाद जायगोट से पुनः ये स्पोर्स बनेगा। स्पोर के बाद प्रोटोनिमा थैलस रचनाएं बनाती हैं। ये प्रोटोनिमा थैलस जो कि स्पोरोफिटिक प्लांट का निर्माण करता है और ये स्पोरोफिटिक प्लांट में कैप्सूल्स, मेल ब्रांच और फीमेल ब्रांच का निर्माण करते हैं। तो स्पोरोफाइट पर ही, सॉरी, गैमेटोफाइट पर स्पोरोफाइट आश्रित होते हैं। इसका जो पूरी लाइफ साइकिल है, दोनों तरह से इसमें देखने को मिलता है, द्विगुणित और अगुणित अवस्थाएं।
तो इसका मुख्य प्लांट अघोरित अवस्था में होता है, गेमेटोफाइटिक प्लांट होता है। केवल यहाँ पर जब सेल्स मेल ऑर्गन और फीमेल ऑर्गन एंथ्रीडियम और आर्चिगोनियम की सेल्स संयोजित होती हैं तो जायगोट का निर्माण करती हैं, और जायगोट से यंग स्पोरोफाइट बनता है। इस यंग स्पोरोफाइट में ही अर्धसूत्री विभाजन होते हैं जिससे स्पोर्स का निर्माण होता है। रिडक्शन डिवीजन यानी कि अर्धसूत्री विभाजन होगा जिससे अघोरित स्पोर्स बनते हैं, और अघोरित स्पोर्स से नए प्रोटोनुमा प्रोथिलस संरचना बनती है, और ये विकसित होकर पूर्ण प्लांट का निर्माण करते हैं। इसमें कैप्सूल की संरचना जो कि निषेचन के बाद कैप्सूल का निर्माण होता है निषेचित होने के बाद, और यही कैप्सूल के स्पोर्स के रूप में वातावरण में मुक्त होते हैं। कैप्सूल की संरचना इसमें बीच में मध्य पर कालमूला होते हैं, और इसमें टीथ पाई जाती है। इस तरह से कि स्टोमा स्पोर्स पाए जाते हैं, और बीच बीच में एयर स्पेस कोशिका के अंदर पेरिस्टम टीथ पाई जाती है।
ये पेरिस्टम टीथ, एनुअल ये एनुलस, स्पोर, एयर चैम्बर, कॉलम, स्टोमा, कॉलमेला और मध्य में है ये कंडक्टिंग टिश्यू। कंडक्टिंग स्टैंड मॉस प्लांट की कैप्सूल की संरचना है, जिसमें स्पोर्स का जब निर्माण होता है इसको मुख्य रूप से अपर पार्ट, मिडिल पार्ट और एपोफाइसिस अंतिम ये एपोफाइसिस कहलाते हैं। मिडिल पार्ट और अपर पार्ट जो सबसे ऊपरी भाग अपर पार्ट, ये मुख्य रूप से तीन भागों में अपर पार्ट, मिडिल पार्ट और एपोफाइसिस में बटा होता है। बीच में इसके पेरिस्टोम टीथ पाई जाती हैं जो कि लगभग 1 से 16 तक की इसमें व्यवस्थित होती हैं और ये फूड सीटा कैप्सूल में बटा होता है। सबसे अब ऊपरी भाग फूड निचला भाग जो स्पोरोफाइट से लगा होता है सीटा, बीच का भाग सबसे निचला भाग फूड, फिर सीटा और सबसे ऊपरी भाग जो होता है कैप्सूल। इसी कैप्सूल में स्पोर्स का निर्माण जो होते हैं एंथ्रीडियम और आर्चिगोरियम बनने के बाद स्पोर्स में अर्धसूत्री विभाजन होता है। ये अर्धसूत्री विभाजन अपर भाग से ये निकलकर एनुलस के छिद्रों से माध्यम से वायु में निकलते रहते हैं और इस तरह से ये वायुमंडल में आने के बाद पुनः ये ब्रायोफाइट को जन्म देते हैं। तो स्पोर्स का जब जन्म स्पोर्स जब अंकुरित होते हैं तो प्रोटोनिमा थैलस के रूप में बनते हैं और उसके बाद एक पूर्ण प्लांट मॉस प्लांट के रूप में बनता है। तो इस तरह से ये इसकी मॉस प्लांट की संरचना की आंतरिक कैप्सूल की संरचनाएं हैं। इसमें आगे हम देखते हैं ब्रायोफाइट का महत्व। सबसे अधिक ब्रायोफाइट्स जो कि जल अवशोषण करता है, जिसमें खनिज अवशोषण करने के कारण ये विभिन्न पदार्थों के संवहन स्थानांतरण के लिए ले जाने के लिए या वस्तु के एक स्थान से दूसरे स्थान ले जाने के लिए उपयोग में लाते हैं, जिससे ये पदार्थों में नमी बना रहे या खराब ना हो। कुछ ब्रायोफाइट्स जिनका उपयोग जितने भी ब्रायोफाइट्स हैं ये चट्टानों पर उगते हैं, चट्टानों में नम स्थान पर, तो वहाँ पर लगातार ये चट्टान जब पाए जाते चट्टानों पर ग्रोथ करते हैं तो उस समय जब इनकी मृत्यु होती है तो वो धीरे धीरे वहाँ पर ह्यूमस उत्पन्न करते हैं, जिससे वहाँ एक प्रकार की ह्यूमस के कारण वहाँ की अनुकूलताएँ बदलती जाती हैं, जिससे दूसरे नए प्लांट विकसित हो सकते हैं। तो ब्रायोफाइट्स एक प्लांट सक्सेशन का काम करता है, जिससे उस क्षेत्र में नए पौधे विकास कर सके। इसी तरह मॉसेस को सुखाकर ईंधन के रूप में प्रयोग करते हैं। ईंधन
ऊर्जा के लिए उपयोग करते हैं, खाना बनाने के लिए उपयोग कर सकते हैं, या जितने भी ऊर्जा जलाने के लिए इस मॉसेस प्लांट का उपयोग किया जाता है। शाखों और रोपणों के लिए भी इसका उपयोग करते हैं। तो इस तरह से मॉस या ब्रायोफाइट के जो प्लांट हैं बहुत ही उपयोगी हैं, जो विभिन्न कार्यों के लिए इनका उपयोग में लाते हैं। तो इस तरह से हम ब्रायोफाइट का अध्ययन, विभिन्न उनके लक्षण, उनके वर्गीकरण और एक स्पेशल जो पादप है फ्यूनेरिया, उनकी लाइफ साइकिल के बारे में अध्ययन किया। धन्यवाद।